कि मार्केट के अंदर किसी भी सामान का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर आप इस पूरे लॉ को एक लाइन में समझना चाहो तो एक लाइन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो ये है, थोड़ा सा आप उठोगे थोड़ा सा वो गिरेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो भी मान जाएगा और आप भी मान जाओगे। तो आज इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। टॉपिक का क्या नाम है? इन्फ्लेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई आइडिया? महंगाई बोलते हैं, आम तौर पर महंगाई बोलते हैं। पर अगर आप टिपिकल हिंदी की बात करो तो टिपिकल हिंदी में बोलते हैं मुद्रा स्फीति। सुना है कभी ये वर्ड? नहीं सुना? मुद्रा स्फीति जनरली हम लोग की लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, ना अपने को पूरी तरह से अंग्रेजी आती है, ना अपने को पूरी तरह से हिंदी आती है, और ना अपने को पूरी तरह से गुजराती आती है। गुजराती में क्या बोलते हैं बताए इसको? फुगाओ। ठीक है, फुगाओ। कितने लोगों को पता था फुगाओ बोलते हैं? चलो दो तीन लोगों को पता था। तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपीएससी के अंदर, अगर आप मानो तो यूपीएससी के अंदर एक से दो सवाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इसके ऊपर पूछ सकता है। जीपीएससी में ज्यादा आते हैं, जीपीएससी में क्योंकि सवाल ज्यादा आते हैं तो जीपीएससी में दो तीन सवाल कभी कभी हो सकता है, चार सवाल भी वो इन्फ्लेशन के ऊपर पूछ सकता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इन्फ्लेशन को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा टॉपिक अपन लोग पढ़ने वाले हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन लोग पढ़ने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? लॉ ऑफ डिमांड, हिंदी में बोलते हैं इसको मांग का नियम। डिमांड मतलब मांग, लॉ मतलब नियम, मांग का नियम। और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देखो पहला पूरा ध्यान आप लोगों का बोर्ड पर रहना चाहिए, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको उसको बिल्कुल भी डटने की जरूरत नहीं है। समझते जाओगे, एग्जाम में सवाल करते जाओगे, समझते जाओगे, सब समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, रटना कुछ नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि किसी भी सामान का जो प्राइस है वो उसकी डिमांड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी सामान का प्राइस है वो उसकी डिमांड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या इसको आप इस तरह भी बोल सकते हो कि किसी भी सामान की जो डिमांड है वो उसके प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी सामान की जो डिमांड है वो उसके प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई सामान बहुत ज्यादा महंगा है तो मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, है ना। मतलब सामान अगर महंगा है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। क्या डिमांड हमेशा कस्टमर की होती है? कस्टमर ही तो चीजों की डिमांड करता है ना, डिमांड हमेशा कस्टमर की होती है। तो कस्टमर सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है। कस्टमर क्या चाहता है? सस्ते से सस्ता सामान खरीदना। यानी कि अगर सामान महंगा होगा तो कस्टमर की डिमांड ऑलरेडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है, यही है सिंपल क्या? लॉ ऑफ डिमांड। कस्टमर सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है। अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो और अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं, उसका ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, थोड़ा बहुत आइडिया है अपने को इसके बारे में। ग्राफ बनाऊं, इस साइड रखूं प्राइस को और इस साइड रखूं डिमांड को, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा यानी कि अगर सामान का प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या है? कम। अगर सामान का प्राइस कम है तो उसकी डिमांड क्या है? ज्यादा। सिंपल सी बात हुई। तो यहां हमने एक बहुत सिंपल सी चीज समझी, चीज ये है लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली ये हर जगह आपको यूज होता हुआ दिखेगा। क्या बोलता है, अगेन रिपीट कर देता हूं, ये बोलता है कि भाई किसी भी चीज की डिमांड जो है वो उसके प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि लोग उसी चीज को चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं जो सस्ती होती है। अगर सामान महंगा है तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ग्राफ के बेस पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं,
ग्राफ के बेस पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस बनाया, एक्स एक्सिस पे मैंने डिमांड बनाई और ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राइस कम है तो डिमांड अपने आप ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। अगर आप इस पूरे लॉ को एक लाइन में समझना चाहो तो एक लाइन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वो ये है, कस्टमर सस्ता सामान चाहता है या महंगा? सस्ता सामान चाहता है। कस्टमर सस्ता सामान चाहता है, सिंपल सी बात। क्लियर हुई चीज? कोई दिक्कत वाली बात? अब एक और इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ सप्लाई। भाई डिमांड कौन करता है? कस्टमर करता है, कंज्यूमर करता है, ये चीज मैंने आपको बताई है ना। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है लॉ ऑफ सप्लाई, और सप्लाई सामान की कौन करता है? बनाने वाला या प्रोड्यूसर? भाई सप्लाई सामान की कौन करता है? सामान बनाने वाला, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, प्रोड्यूसर, है ना। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल एक बात करता है, किसी भी सामान की सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके प्राइस के। तो किसी भी सामान की सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सामान के प्राइस से। किसी भी सामान की सप्लाई क्यों है? ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, वो ज्यादा से ज्यादा माल सप्लाई करेगा अगर उसको दाम अच्छा मिल रहा है उसके सामान का। क्लियर हुआ? इस पूरे लॉ को जिसको लॉ ऑफ सप्लाई या हिंदी में आपूर्ति का नियम भी बोलते हैं। मैं आप हिंदी वर्ड्स क्यों यूज करता रहता हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हिंदी भी पता होनी चाहिए, इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। सप्लाई मतलब आपूर्ति है ना, लॉ मतलब नियम, आपूर्ति का नियम भी बोलते हैं। अगर लॉ ऑफ सप्लाई को मैं सिंपल एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो महंगे से महंगे में बेचना चाहता है, जो प्रोड्यूसर है वो महंगे से महंगे में बेचना चाहता है। अब इसमें भी अपन लोग क्या करते हैं, कर्व बना लेते हैं, इसमें भी अपन लोग कर्व बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में कर्व बनाया था, ग्राफ बनाया था, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। इस साइड प्राइस होगा और इस साइड अगर सप्लाई होगा तो कर्व कुछ इस तरह का आएगा, कर्व कुछ इस तरह का आएगा। मतलब ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई और कम प्राइस पर कम सप्लाई, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई और कम प्राइस पर कम सप्लाई। सिंपल सी बात, ठीक है। ये कर्व मैं क्यों बना रहा हूं आपको आगे जाके पता चलेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ? लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल सा है, किसी भी सामान की जो सप्लाई है या प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा सप्लाई कब करेगा? जब उसको ज्यादा प्राइस मिलेगा। अगर उसको प्राइस ही कम मिल रहा है तो उसका कोई मोटिवेशन नहीं रह जाएगा धंधा करने में, बिजनेस करने में, तो वो सप्लाई करेगा ही नहीं या कम करेगा, है ना। तो सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। क्लियर हुआ चीज? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, कर्व बनाना समझ में आया? भाई अपने को ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं है? अपन ने 10वीं क्लास पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? 10वीं क्लास में ग्राफ सिखाते हैं, प्राइस और सप्लाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कुछ इस तरह का कर्व आ जाएगा। क्लियर हुआ चीज? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलो अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ध्यान से सुना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई समझाया था। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है कि मार्केट के अंदर किसी भी सामान का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। भाई अगर मैं बोलता हूं ये मार्कर मान लो 25 रुपए का है तो 25 रुपए का क्यों है? अगर आपके जेब में जो मोबाइल है वो 20,000 का है तो वो 20,000 का क्यों है? मार्केट के अंदर किसी भी सामान का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है अब हम वो जानेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो है, अभी मैंने आपको जो दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसी के अंदर यूज होने वाले हैं। क्या मुझे एक चीज बताओ, लॉ ऑफ डिमांड का अगर मैं एक लाइन में लॉ ऑफ डिमांड को समझाऊं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या था? कि कस्टमर सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? प्रोड्यूसर महंगे से महंगा बेचना चाहता है। देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताए थे, ग्राफ जो भी मैंने अभी आपको समझाए थे लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ सप्लाई के, अगर मैं उन्हीं ग्राफ की बात करूं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे मार्केट के अंदर किसी सामान का जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है। मैं
सबसे पहले जो डिमांड वाला कर्व है वो बना लेता हूं, ठीक है। डिमांड वाला कर्व जो है एक तरीके से क्या बताता है, कस्टमर सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है ना। एग्जांपल लेता हूं, मान लो आप गए मार्केट में टमाटर खरीदने, सब्जी खरीदने जाते हो, कभी गए हो? नहीं। बिग बास्केट जाते हो नहीं जाते हो? कितने लोग जाते हैं आपस से सब्जी खरीदने? अच्छा, टमाटर क्या भाव चल रहा है भाई? 30 रुपीज चल रहा है टमाटर। अच्छा अच्छा लगा सुन के, इतनी सस्ती कब कब से अच्छे दिन ये आ गए हमारे? अच्छा तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसा नहीं है, महंगाई है, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, मान लो आप लोग टमाटर जो है खरीदने गए, है ना, और टमाटर खरीदने गए, अब आप वहां पर जाओगे मोल भाव करोगे, मोल भाव करोगे, है ना। आपको चाहिए टमाटर कम से कम दाम में, आपको चाहिए टमाटर कम से कम दाम में, मान लो ये है 10 रुपए, मान लो ये क्या है 10 रुपए, आप बोलो 10 रुपए किलो में लूंगा टमाटर। अब टमाटर बेचने वाला क्या है, सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, वो महंगे से महंगा बेचना चाहता है या सस्ते से सस्ता? बोलो, महंगे से महंगा बेचना चाहता है। तो मैं यहां पर सप्लाई वाला कर्व बना लूं, वो महंगे से महंगा बेचना चाहता है, बोलेगा सर 200 रुपए किलो बेचूंगा, 10 रुपए की तो बात ही नहीं है कोई, है ना। आप बोलोगे नहीं यार एक काम कर 20 रुपए ले ले, बोलता चलो आप अच्छे लगते हो मुझे, यहां पर 100 रुपए पे आ जाता हूं। थोड़ा सा आप उठोगे, थोड़ा सा वो गिरेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो भी मान जाएगा और आप भी मान जाओगे। लेट अस से ये पॉइंट है 60 रुपए किलो का, लेट अस से। तो जो सप्लायर है वो महंगे से महंगा बेचना चाहता है, पर जो खरीददार है वो सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है। लेकिन एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जब बेचने वाला भी संतुष्ट हो जाएगा और खरीदने वाला भी संतुष्ट हो जाएगा, और इसी पॉइंट पर वो माल बिक जाएगा। यानी कि ये पॉइंट क्या है उस सामान का प्राइस, ये पॉइंट क्या है उस सामान का प्राइस। क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी भी सामान का प्राइस डिमांड और सप्लाई से तय किया जाता है? क्या मैं बोल सकता हूं किसी भी सामान का प्राइस उस सामान की जो डिमांड है और उस सामान की जो सप्लाई है उससे डिटरमाइन किया जाता है? यस और नो? बिल्कुल किया जाता है। यह इसीलिए मैंने यहां पर आपको डिमांड का कर्व और सप्लाई का कर्व बनाकर समझाया। ये डिमांड का कर्व है, कंज्यूमर चाहता है सस्ते से सस्ता लेना, पर जो सप्लायर है वो क्या चाहता है, वो चाहता है मैं तो महंगे से महंगा बेचूंगा। एक पॉइंट ऐसा होगा जब ये दोनों कर्व आपस में टकराएंगे, यानी कि दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, मिल जाएंगी, दोनों संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, और वही पॉइंट उस पर्टिकुलर चीज का मार्केट प्राइस कहलाएगा।